Now we will study that how to judge a digit that it is divisible by 3 or not. So आज हम पढ़ेंगे कि एक digit जैसे मैंने example लिया हुआ है तो वो 3 से divisible है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा. तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें एक condition होती है कि अगर ये जो सारी digits हैं जैसे कि 6 + 4 + 3 + 8 + 9 इन सबको हम ऐड कर लेंगे. अगर जो इसका समाकल जैसे 6 + 4 = 10 10 + 3 = 13 13 + 8 = 21 21 + 9 = 30 ठीक है. तो ये 30 नंबर आया है. जैसे कि हमें पता है कि हमें क्या करना होता है सम जो है उसे 3 से डिवाइड करना होता है. तो 30 और 3 यानी कि 10 टाइम्स हमारा जो है सॉरी मैंने एग्जैक्टली साथ में लिख दिया सो 0 टाइम्स 0 चला जाएगा. सो 10 आ रहा है यहाँ पे मैंने जब डिवाइड किया डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 10. तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे 30 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है. इसका मतलब ये जो डिजिट है ये पूरी डिजिट 3 से डिविजिबल है. Now, the next one is divisibility by 4. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो last digits होती है जैसे कि यहाँ पे है 89 ठीक है 89 है. तो जितनी भी digit हो आप इसके आगे भी numbers ले सकते हो लेकिन जो last के 2 numbers हो हम उन्हें देखेंगे कि वो 4 से divisible है या नहीं है. तो 89 मुझे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये divisible नहीं है. बट मैं आपके लिए डिवाइड करके दिखा देती हूँ. 4 2 टाइम्स 8 जाएगा माइनस करेंगे 0 9 फिर 2 टाइम्स 8 जाएगा लेकिन 1 रिमाइंडर बच जाएगा. यानी कि जो 89 है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है. ओके तो अब हम आते हैं 5 पे. ये जो मैं आपको ये भेद बता रही हूँ जो फैक्ट्स हैं ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे ठीक है. मैंने इन्हें शॉर्ट में लिख दिया है आप बुक से अच्छे से देख लीजिएगा और उसमें एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे. मैंने एक अपना रफली एग्जांपल ले लिया हुआ है ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि कोई डिजिट जो है वो दी गई है तो वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है. तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि उसमें लिखा है कि अगर डिजिट के लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो डिजिट डिविजिबल होगी और अगर 0 और 5 नहीं आता है वो डिजिट डिविजिबल नहीं होगी. तो मुझे तो यहाँ 9 दिख रहा है आप लोगों को 9 दिख रहा होगा तो यहाँ पे जो 9 दिख रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा. लेकिन अगर हमें इस डिजिट को डिविजिबल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप पेपर नंबर चेंज कर लीजिएगा डिजिट. तो यहाँ पे मैं 0 अगर लगा रही हूँ ठीक है तो क्या होगा ये डिजिट डिविजिबल हो जाएगी 5 से. या फिर मैं अगर यहाँ पे 5 भी लगा लूँ तो ये जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होगी तो ये डिविजिबल हो जाएगी. बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जो है वही रखना है और उसी में आपको कंडीशंस अप्लाई करनी है. जैसा कि मेरा जो रियल नंबर था वो डिविजिबल नहीं है 5 से. ओके सो नेक्स्ट आते हैं हम 3 पे सॉरी 6 पे. तो अब हमें देखना है कि ये जो डिजिट है वो 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं है. तो 2 की कंडीशन होती है कि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए ठीक है. तो बाय 2 करते हैं और बाय 3 करते हैं तो यहाँ पे तो इवन नंबर नहीं है यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है. लेकिन इसका सम जो था वो 30 आया था तो वो डिविजिबल था. तो ये क्या 6 से डिविजिबल होगी. अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल है तो 6 से क्यों नहीं होगी तो आप गलत सोच रहे हैं. 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. अगर एक से भी नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगी. अब हम देखेंगे 9 ठीक है. 9 में क्या होता है कि जैसे हम 3 में करते हैं 3 का सम
मतलब ये जो डिजिट है उसका सम 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन 9 से क्या है, हमें 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो इसका सम आया था 30, 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ये डिजिट 9 से भी डिविजिबल नहीं, क्योंकि इसका सम जो है वो 30 है। नाउ अब हम आते हैं 10 पे। 10 की कंडीशन बहुत इजी और बहुत सिंपल होती है कि ये जो लास्ट डिजिट है उसकी 0 होनी चाहिए, बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो उसकी लास्ट डिजिट 9 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, 10 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अभी मैं आपको एक डिजिट दूंगी जिससे आपको सारे डिजिट से जितनी मैंने पढ़ाई है उन सबसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करके मुझे अपना स्क्रीन शॉट व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा, ओके? या फिर आप खुद भी देख सकते हो या आप बुक से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट आता है 11 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, हम ऑड और इवन प्लेसेस डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट को हमने कहा ऑड, सेकेंड को इवन, थर्ड को ऑड, फोर्थ को इवन और फिफ्थ को फिर से ऑड। तो क्या करेंगे, ऑड को ऐड कर देंगे, 6 + 3 + 9, ठीक है, कितना आया, 6 + 3 9 9 + 9 18। नेक्स्ट है हमारा इवन डिजिट्स, ये हमारी हो गई ऑड डिजिट्स। अब आते हैं हम इवन पे, इवन कौन कौन है, 4 and 8, तो 4 + 8 8 + 4 दैट इज 12। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या होगा, 18 - 12 दैट इज 6। सो 6 क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये जो डिजिट है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर देम इन द डाउट सेशन एट व्हाट्सएप, ओके, थैंक यू क्लास।